सो हे माय डियर ऑडियंस, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि ये जो पीडीएफ आपको इस टाइम स्क्रीन पर शो हो रही है, ये आप लोगों का बेसिकली जो एडमिशन प्रोसेस है वो बताने के लिए गाइडलाइंस है। बेसिकली आप लोगों का कैसे आपको जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो कैसे चलेगा। सबसे पहले तो अगर मतलब इसको अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बिकॉज मैंने इसको ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था और आप लोगों को और भी जगह से मिल गया होगा, तो अगर आपने पढ़ लिया तो वैलिड, नहीं पढ़ा तो फटाफट रीड करते हैं क्या है। देखो, जो भी आपका एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है, ये पूरा ऐसे है, ठीक है। सो इस पूरे पीडीएफ को पढ़ने का मेन पर्पस क्या है, इस पूरी पीडीएफ में एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप लोगों का जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन होने वाला है। गाइस, मेरे पास मेरा पेन नहीं है, ठीक है, तो उसको छोड़ो। ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है, ये कैसे पता चल रहा है कि आपको यहाँ पर अप्लाई का बटन पर क्लिक करके आपको अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करना है, ठीक है। मतलब ये छोटे से इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, ये कुछ स्टेज में आपके जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो चलेगा। जैसे कि पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका फिर मतलब पूरा वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद क्या कहते हैं, जो प्रिंसिपल होंगे फिर उन सब हेड वेड से उनसे अप्रूवल होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास इंपॉर्टेंटली होने ही होने चाहिए आपके एडमिशन के टाइम पर, पहला आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं हो, ठीक है, वैसे पहला नहीं है तो तीसरा है, बट ठीक है, पहला आपका पहला आपका 10th का सर्टिफिकेट, 2nd आपका 12th का सर्टिफिकेट, 3rd आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो ठीक है, नहीं है तो आपको नॉर्मल कॉलेज में जाके वहाँ से प्रिंट निकलवा के लेकर जो वहाँ पर कॉलेज के स्टैंप लगवा लो, आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट रेडी हो जाएगी, और नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसके बाद ये तो हो गया आपकी 3-4 चीज़ें। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट एंड देन उसके बाद आपको एक और चीज़ चाहिए होती है, वो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और अगर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब बेसिकली अगर आपका गैप ईयर है तो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास इस टाइम है वो वैलिड नहीं होगा, तो किसी गैजेटेड ऑफिसर के पास जाके उसको बनवाना होता है, ठीक है, वो आप पूरा प्रोसेस है उसको देख लीजिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पूरी वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है कि गाइज बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि आप लोगों का जो एडमिशन प्रोसेस है, वेट अ सेकेंड, ये जो आप लोगों को पीडीएफ दिख ही रहा होगा, तो इस पूरी पीडीएफ में आपको ये चीज़ दिख रही होगी, आपको ऑलरेडी डीयू की वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो एडमिशन प्रोसेस है, जो कट ऑफ की स्पेसिफिकली जो कट ऑफ, तो आपका कट ऑफ की डेट है यहाँ पर, ये पूरा भी कट ऑफ की डेट आ चुकी है। हाँ, तो इस वाली पीडीएफ में आपको आपके जो कट ऑफ की डेट्स हैं वो रिलीज़ हो गई, जैसे कि फर्स्ट कट ऑफ आपकी जो है, फर्स्ट कट ऑफ जो है वो मतलब कल आप लोगों की फर्स्ट कट ऑफ आने वाली है, और आपका जो कट ऑफ के बाद आपको पूरा स्पेसिफिकली कितने दिन का टाइम मिल रहा है, 1st से 3rd दिसंबर तक का आपके पास टाइम होगा, ठीक है। आपको मतलब इन टाइम के बीच में भी कट ऑफ होगी, 10 बजे शुरू होगा एडमिशन प्रोसेस, और उसके बाद कैंडिडेट कब अप्लाई कर सकते हैं वो ये वाली चीज़ है कि आप अप्लाई कब कर पाओगे। गाइज, मेरा लैपटॉप क्या हो रहा है, ये हाँ, आप उसको कब अप्लाई कर पाओगे वो सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, आपको उसको अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो सेकंड चीज़ है, मतलब आपको फर्स्टली 3 दिन का टाइम होगा आपको अप्लाई करने का, वो है 4th दिन आप लोगों का क्या होगा, मतलब उसके बाद जो भी वेरिफिकेशन होगा वो सब चीज़ें होंगी, और ये जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है फर्स्ट कट ऑफ वाला वो चलेगा आपका 4th ऑफ दिसंबर तक, मतलब 30th नवंबर को आपको कट ऑफ आएगी, 1st दिसंबर से आपका एडमिशन जो कैंडिडेट है वो अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, और 4th दिसंबर तक फाइनली आपका खत्म हो जाएगी सारी चीज़ें, मतलब आपका क्या कहते हैं उसको, हाँ, पेमेंट का जो लिंक होगा वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अंडर जिन बच्चों का एडमिशन होगा उनका 4th दिसंबर के बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपके सेकेंड कट ऑफ आएगी, वो सेकेंड कट ऑफ जो आने वाली है वो आएगी 7th ऑफ दिसंबर को, और ये जो होगा मतलब 8th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 10th दिसंबर तक ये चलेगा, 10th दिसंबर तक आप लोगों के एडमिशन प्रोसेस चलेंगे। मतलब फर्स्ट कट ऑफ आपकी 30 को आएगी, मतलब कल आपकी फर्स्ट कट ऑफ आने वाली है, देन सेकेंड कट ऑफ आपकी आएगी 7th को, और 3rd कट ऑफ आएगी आपकी 12th को, ओके, और एडमिशन प्रोसेस चलेगा 15 दिसंबर तक। तो ये आपकी छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो है इस वीडियो में। गाइज, आप लोगों को का जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, कल ही आप लोग कट ऑफ आने वाले हैं, परसों से आई गेस 1 तारीख से आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पीजी लेवल के बच्चों की बात चल रही है ये डीयू के एंट्रेंस एग्जाम में, और यहाँ पर आपका लॉ का भी इसी तरीके से जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो चलेगा। एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन है, तो सारे डॉक्यूमेंट अपने पास अभी से तैयार करके बैठ मतलब तैयार कर लो, जो कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया है, ओके। और अगर कोई भी डाउट है एडमिशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो मेरे को, अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे तो हम एक लाइव सेशन भी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी ऐसा डाउट है जो सब बच्चों को कॉमनली आ रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि हाँ बहुत सारे बच्चों से उस डाउट को सेमली पूछ रहे हैं, मतलब सेम पूछ रहे हैं, तो हम उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि लाइव सेशन भी हो एक छोटा सा, तो उसके लिए भी बताइएगा, ओके। सो मिलते हैं और किसी वीडियो में, टिल देन गुड बाय गाइस।